मेरी बहन आयनिंग कर रही है मेरे बालों का। सबसे पहले आयनिंग होगा, फिर कल होगा बालों में, फिर फाइनल लुक बताऊंगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो मेरा फाइनल लुक। मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग बालों में आयनिंग कर रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। कल हो गए क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था, तो नॉर्मली है बाल तो। और ये मैंने नॉर्मल मेकअप किया है, जो कि आप लोगों को बताना है कैसा लग रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं कैसीनो, और ये मेरा कुछ फाइनल लुक। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कैसीनो पहुँच के बहुत जल्द। गाइस, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर दो घंटे में कंटिन्यू बारिश आ जा रहे हैं। और मुझे कल नाइट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए मैं घर बोल रही हूँ, होटल आ गई थी। और मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाई, उसके बाद मैं सो गई थी। मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट किया था और अभी मैं नहा के बैठी हूँ। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ कल नाइट के मुकाबले। आगे क्या होता है आप लोगों के साथ कंटिन्यू बने रहना। ये स्प्राइट है, मुझे सेवन अप चाहिए था, बट यहाँ पे सेवन अप नहीं मिल रहा है। स्प्राइट से काम चलाना पड़ रहा है मुझे। क्या प्राइस है इसका? 4000। बैग से आ फोन करे फिर आ जाना। मैं फाइनली कैसीनो पहुंच गई हूँ और मैं भी यहाँ पे वेट कर रही हूँ। आईडी वगैरह दे दिया हम लोगों ने। अब यहाँ से 5 मिनट में मैं निकलूँ। अच्छा लग रहा है गाइस। श्रीराम बताओ भाई। श्रीराम बोलना, चार पांच चल रही है, कुछ जाएगा अब एक बाइक पसंद है। स्वामी जी का पड़ो नहीं आ रहा है। तो हम लोग फाइनली बोर्ड
पे आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं मसीनों। देखते हैं आज का कैसा एंटरटेनमेंट होगा। व्यू बहुत प्यारा मिल रहा है। कैसे हो? तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं गर्म पानी पी रही हूँ। आज मुझे यहाँ से गोवा से चेकआउट करना है। फाइनली हम लोग इंदौर जा रहे हैं। आज यहाँ पे 4 डेज हो गया है तो मैं कोशिश करती हूँ इसको जल्दी से फिनिश करने की और मैं रेडी होकर आप लोगों से मिलती हूँ एयरपोर्ट पे बहुत जल्द। तब तक के लिए बने रहे। गाइस मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई हूँ। गोवा एयरपोर्ट पे हूँ अभी जा रही हूँ मैं। नहीं अच्छा आप लोगों को मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट का टॉयलेट दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड किया है। इससे पहले मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं टॉयलेट से आके अपने सीट पे बैठ गई हूँ और मैं ये बैग रखने के लिए इसको ओपन कर रही हूँ। तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के बाद ही विमान कर्मियों की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट को इस विमान से हटाना सरकारी नियम के अनुसार। मैंने ना मैगी ऑर्डर किया और ये मैगी आ गया है और मैं टेस्ट करने वाली हूँ बहुत जल्द क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ खाने के लिए। ज़्यादा हो सके उतना आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।